हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाय सचिन जी, हाय संध्या, गौरव, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, पता है क्यों? आज हम पढ़ने वाले हैं लोकगीत, और लोकगीत आप सभी जानते हैं कि लोकगीत क्या क्या होते हैं। मालवा के लोकगीत क्या होते हैं, बुंदेलखंडी बघेलखंडी लोकगीत क्या होते हैं, हम बचपन से लेके आदमी जब तक अंत्येष्टि नहीं हो जाती है उस समय तक कौन कौन से लोकगीतों का प्रचलन होता है। आज हम उन सभी लोकगीतों के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, तो सुनेंगे उन लोकगीतों को क्या होते हैं। तो उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारी टीम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज लेकर आती है जो कि आपको YouTube के दो चैनल्स पर मिलेंगे। तो उसके पहले ये कुछ मेरे बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं वो सिलेक्टेड है नहीं है, उनको क्या एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ मेरे बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद मेरी टीम के वीडियो और मेरे वीडियो आपको इन दो चैनल्स पर मिलेंगे, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम और अभियान, ये दो चैनल्स हैं। यहाँ पर आप हमारी टीम के सारे वीडियोस देख सकते हैं, और उन वीडियोस की अगर आपको लिंक चाहिए तो प्लीज ज्वाइन दीज टू चैनल, ठीक है? टेलीग्राम पे ये आपको हमारे चैनल्स मिल जाएंगे, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, अभियान और 360। यहाँ पर आप इनको ज्वाइन करके सारे के सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहले सेशन। अगर आपको 10,000 एमसीक्यू का बैंक चाहिए है तो प्लीज अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि दोस्त अगर आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तभी जाके आप मेरी क्लासेस देख पाओगे अनअकैडमी पर, ठीक है? जो कि एप्लीकेशन पर हो रही है, फ्री क्लासेस आपके लिए मिलेंगी, डेली 3 क्लासेस करता हूँ। तो प्लीज उस ऐप के लिए डाउनलोड करते समय आपको सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है। तो जब आप ऐप को अनलॉक करने जाओ ना, तो कोड आपको यूज करना है ADYT, ठीक है? तो एप्लीकेशन को अनलॉक करते टाइम और उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन के टाइम आप हमेशा इसी कोड को यूज करोगे, डेट इज ADYT, जो आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल कराएगा। और इसके साथ साथ किस तरह से एग्जाम्स को क्रैक किए जाते हैं ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। तो आप 8,800 पे नहीं करना है, केवल आपको 7,900 रुपये पे करना पड़ेगा। ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है माय डियर फ्रेंड। सो यूज दिस कोड व्हाइल यू आर गोइंग टू दिस सब्सक्रिप्शन, सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस कोड, ओके? दैट इज ADYT। अब मेरे कुछ प्लान है। तो देखो भैया, आज चल रही है हमारा 13वें नंबर का लेक्चर, केवल 4 क्लासेस और बची हुई है, उसमें हम पूरा का पूरा यूनिट 1 खत्म कर लेंगे, ठीक है? अब यूनिट 1 खत्म करने के बाद क्या, तो यूनिट 1 खत्म होने के बाद यूनिट 4 यहाँ पे शुरू होने वाला है, विश्व एवं भारत का भूगोल, ये होगा यूनिट 4 शुरू। यूनिट 2 शायद परसों से आपको मिल जाएगा, परसों नरसों से यूनिट 2 भारत का इतिहास, ये प्लस पर होगा। 3 हम पढ़ रहे हैं 4 बजे, तो यूनिट 1 की कुछ ही क्लासेस बची हुई हैं, ये खत्म होने वाला है दोस्त। तो फटाफट इनकी क्लासेस देखो, और इसके साथ साथ जो आप लोग प्लेलिस्ट की डिमांड कर रहे हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? प्लेलिस्ट की चिंता मत करो, आपको मिल जाएगी, मैं खुद बना के दूंगा, PDF फॉर्मेट में दे दूंगा। तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ अवेलेबल रहेगी, 17 लेक्चर तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मिलेंगे, इनको जरूर देखिएगा, ठीक है? 4 बजे हमारी ये क्लास चल रही है, ये भी खत्म हो जाएगा। इस महीने हमारे 3 यूनिट कंप्लीट करके दूंगा, और दो यूनिट आपके आधे आधे, मतलब लगभग लगभग इस महीने तक हम 3 यूनिट तो हमारे पूरे फिनिश हो ही जाएंगे, यूनिट 1, 2 और 1 और 3 ये खत्म हो जाएंगे, और यूनिट 3rd और 5th हम शुरू भी कर देंगे, तो आधा आधा वो भी हो जाएगा। और फरवरी के लास्ट तक लगभग हमारे 7-8 यूनिट तक तो मैं खत्म कर दूंगा, 7 यूनिट तक फरवरी तक खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे वो बताऊंगा मैं आपको एक जल्द स्क्रीन थंबनेल के थ्रू। तो अगर आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत है दोस्त, हमारे साथ सुबह 9 बजे क्लासेस करो ना, करंट अफेयर्स की 9 बजे मैं आपको 50 MCQs करवाता हूँ पर डे। उसके बाद 1:15 पे मध्य प्रदेश के MCQs कराता हूँ। तो ये है दोस्त मध्य प्रदेश के MCQs का आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के खेल। कल जो होना है आज आपको रात तक टॉपिक दे दूंगा, जो कौन से आपको कल टॉपिक प्रिपेयर करके आने। तो इस तरह से सिक्वेंस वाइज सिक्वेंस सारी चीजें चल रही हैं। 9 बजे हम करंट अफेयर्स करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के MCQs करते हैं, फिर हम 4 बजे यूट्यूब पर सेशन करते हैं, फिर 5:30 बजे भी एक क्लास करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको इतनी सी क्लासेस कराता हूँ, 5:30 बजे जो क्लास होगी वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक की क्लास होगी। ये भी दोस्त यहाँ पे जो आपकी क्लास है ना टारगेटेड है, तो प्लीज इस क्लास को भी अटेंड करना मत भूलिए। आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत के उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आज का आपका टॉपिक रहेगा, भारत के उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, ये आज आपको पढ़ के आना है माय डियर फ्रेंड, ओके?
शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। हमने कहाँ तक पढ़ लिया है और क्या क्या अब हमें पढ़ना बचा हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत के स्टार्टिंग के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, घटना पढ़ ली है, राजवंश पढ़ लिए है, योगदान पढ़ लिया है, कलाएं पढ़ ली है, स्थापत कला, जनजातियां, बचा हुआ अभी थोड़ा सा क्योंकि हम उसको नीचे कवर करेंगे लास्ट के टॉपिक में, ठीक है। तो बोलियां हमने कवर कर ली है। हम पढ़ रहे थे त्योहार, कल मैंने आपको त्योहार पढ़ाए थे, त्योहार से संबंधित मैंने और कुछ आपको लोक संगीत के बारे में बताया था। आज हम लोक संगीत को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल तक आपका लोक संगीत भी कवर हो जाएगा और हमारा प्रमुख साहित्य का ये शुरू हो जाएगी कल हमारे, और फिर धार्मिक और पर्यटन स्थल और जनजातीय, तो छोटे छोटे से टॉपिक से एक ही दो क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा यूनिट वन हमारा कवर हो जाएगा, और इसके साथ साथ मैंने 400 MCQs भी करा दी आपके, हर चीज आपको मैं अवेलेबल करा के दे रहा हूँ, बस आपकी प्रेजेंस चाहता हूँ अपनी हर क्लास में, ठीक है। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था, संगीत एवं नृत्य, म्यूजिक एंड डांस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। फटाफट मैं आपको कुछ रिवीजन करा देता हूँ कल वाली क्लास का, कल मतलब कि जो परसों हुई थी, कल तो मैराथन था ना, एक बार हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने दोस्त यहाँ पे पढ़ा हुआ था संगीतकार और उनके साथ साथ उनके लोकगीतों के, तो संगीतकार में कल हमने तानसेन के बारे में पढ़ा था। तानसेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम इनका रामतनु मिश्रा हुआ करता था, पर जो तानसेन की जो उपाधि थी वो राजा रामचंद्र थे रीवा के, उन्होंने इनको तानसेन की उपाधि दी थी और अकबर के द्वारा इनको मियाँ की उपाधि दी गई थी। अकबर के पास ये कैसे पहुंचे थे, जब अकबर की सेना का एक हमारा जो सेनापति था वो, जिसका नाम था सेनापति बगीर खान ऐसा कुछ नाम था, जब वो यहाँ पे रीवा में अटैक करने पहुंचा था तो तानसेन को दोस्त देखकर वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ और उनको अपने साथ वो अकबर के पास ले जाता है, ठीक है। बचपन में ये सूफी एक संत सूफी फकीर थे मोहम्मद गौस, उनके संपर्क में आए, काफी लंबे समय तक ये उनके संपर्क में रहते हैं। तोतली इनकी जवान थी, इस जवान से तो स्वर के संगीत कैसे निकालने थे, ये इनको किसने दोस्त यहाँ पे शिक्षा दी थी, सूफी फकीर मोहम्मद गौस के द्वारा, ठीक है। फिर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वृंदावन में, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तानसेन ने, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं अपने ग्वालियर जाते हैं, वहां पे दोस्त मानसिंह की जो वाइफ थी मृगनयनी, उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो इस तरह से तानसेन की जो शिक्षा हुई है वो मोहम्मद गौस के द्वारा हुई है, वृंदावन में हुई है, और ग्वालियर में मानसिंह की वाइफ के द्वारा उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अकबर की सेना के जो जलाल खान थे वो इनको कहाँ पर लेके चले जाते हैं, अकबर के पास लेके चले जाते हैं, फिर अकबर के आगे जाके ये 9 रत्नों में शामिल होते हैं, ठीक है। हम तानसेन को इतिहास में इसलिए याद करते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो सारंगी और मीहा की मल्हार, ठीक है, जो गाई जाती थी, इसका कोई तोड़ नहीं था, ठीक है। तो इनका द्वारा जिस कारण से इनको प्रसिद्धि हासिल हुई है वो थी राग दरबारी, तोड़ी और मियाँ की सारंगी और मियाँ की मल्हार, ये हमारे तानसेन के कुछ प्रसिद्ध रागे रही है जिनके कारण से इनको प्रसिद्धि मिली है। अंत में क्या होता है, 1585 के आसपास इनका आगरा में देहांत हो जाता है, पर इनकी इच्छा ये थी कि इनके गुरु के बाजू में ही इनका एक मकबरा बनाया जाए। इनके गुरु जो कि मोहम्मद गौस ग्वालियर के हुआ करते थे, इनका मकबरा आपको कहाँ पे मिलेगा, ग्वालियर में मिलेगा, वहीं पर तानसेन का दोस्त यहाँ पे मकबरा बना दिया जाता है। तो ये इन शॉर्ट में मैंने आपको तानसेन का बता दिया, ये हम परसों की क्लास में पढ़ चुके थे इसलिए मैंने आपको स्पीड में बताया क्योंकि परसों हम ये चीज पढ़ चुके हैं। फिर उस्ताद अलाउद्दीन खान के बारे में हमने बात की थी, इनका जो जन्म हुआ था त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है। फिर दोस्त अलाउद्दीन कलकत्ता चले गए थे, काफी लंबे समय तक वहां पे भी दोस्त यहाँ पे रहे, इन्होंने भी दोस्त यहाँ पे क्या किया, त्रिपुरी शिवग्राम में उस्ताद अली खान ने कलकत्ता आकर बहुत सारी दोस्त इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो जन्म त्रिपुरी, कलकत्ता गए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वहां से, ठीक है। फिर संगीत के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा सीखा। फिर दोस्त क्या होता है कि ये मैहर आते हैं, मैहर हमारे यहाँ पे संगीत की नगरी भी कहा जा सकता है। मैहर के बारे में हम सुनते हैं आला उदल की जो लागू, सुना है ना, सतना के पास आप लोग रहे हो ना, वो शारदा माता की जो राग होती है जिसमें पूरे के पूरे जो 52 लड़ाइयां लड़ी गई हैं आधा उजल के द्वारा, जिसमें वो पूरा का पूरा विवरण किया जाता है, सुना है ना आप सभी ने, किसने नहीं सुना, अच्छा ये बताओ मुन्ना, कविता जी, सुषमा जी, सुना है ना आप लोगों ने, जो एक वो राग होती है बड़ी प्यारी राग होती है, हाँ जी, नहीं सुना, क्या बात कर रहे हो यार, पायल जी ने सुना है, सुना है, प्रकट प्रकट भई शारदा कहे आला ऐसा कुछ था ना, ना 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 ऐसा कुछ करके है, जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा है ना, आला उदल किसमें पूरे के पूरे विवरण दिए गए है ना। तो मैहर जी जाते हैं,
मैहर में जाके ये कुछ अपना नहीं, मैहर में जाके ये अपनी कर्मस्थली बनाते हैं और मैहर में जाके ये लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। फिर वहां पे इनकी जो पत्नी रहती है इनका नाम रहता है मदन मंजरी, उनसे इनकी पुत्री उत्पन्न होती है जिनका नाम था अन्नपूर्णा। उनकी जो शादी करवाते हैं वो भी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति आगे जाके उभरते हैं जिनका नाम था रविशंकर। उनसे दोस्त यहाँ पे इनकी पुत्री जिसका नाम था अन्नपूर्णा उनकी शादी होती है और आगे जाके बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, विश्वविख्यात होते हैं सितार वादक के तौर पर। हम जाते तो उस्ताद अली खान के बारे में कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, उसके बाद मैंने कुछ और भी चीजें आपको उस्ताद अली खान के बारे में बताई थी। जैसे कि दोस्त इनके लिए हम और क्यों जानते हैं, क्योंकि इनके जो शिष्य रहे हैं उस्ताद अली खान के वो बहुत ही फेमस रहे। जैसे कि एक तो मैंने रविशंकर बताया जो इनके शिष्य थे, पन्नालाल घोष की अगर मैं आपसे बात कर दूं, उसके साथ साथ अली अहमद की बात कर दूं, तो ये कुछ ऐसे और इनके शिष्य रहे जो कि काफी विख्यात रहे। इसलिए हम अलाउद्दीन खान को काफी पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खान के बाद जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था हाफिज अली खान के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। जो इनके पूर्वज थे वो कहाँ से, अफगानिस्तान से हमारे यहाँ पे भारत में आए हुए थे, और हाफिज अली खान थे इन्होंने सिंधिया जी जो कि जीवाजीराव सिंधिया थे उनके दरबार में ही काफी लंबे समय तक इन्होंने क्या दिए, सेवा दी। इस तरह से दोस्त हमने हाफिज अली खान के बारे के बाद हमने नेक्स्ट नंबर पे जो पढ़ा था वो पढ़ा था भैया जी पूंछ वाले। पूंछ नहीं थी इनकी, पूंछ ये गांव था जो कि आपका पास पड़ता है झांसी के पास, तो पूंछ गांव के होने के कारण इनको राजा भैया पूंछ वाले कहा जाता था, ओके। तो इन्होंने बहुत सारी दोस्त यहाँ पे रचनाएं की हैं, 7 संगीत पुस्तकों के नाम से दोस्त इन्होंने निकाला है, ठीक है। तो संगीतना हो गया, ठुमरी हो गया, तरंगिनी हो गया, ये कुछ इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ओके। पूंछ भैया हमने कवर करा था। पूंछ भैया जी के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज कवर करी थी अमीर खान, इंदौर के रहने वाले अमीर खान के बारे में हमने काफी देखा हुआ था इंदौर खान में ये रहे। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भारत के जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, उन सभी पुरस्कारों से अमीर खान को भी नवाजा गया था। इसके साथ साथ भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार दिया था 1967 में, ठीक है। हालांकि इतने प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति का 1974 में एक मोटर दुर्घटना में देहांत हो गया था। तो ये कुछ मैंने आपको अमीर खान के बारे में बताया था। अमीर खान के बाद भूमार गंधर्व जो कि हमारे मध्य प्रदेश के ना होकर भी उन्होंने देवास को अपनी कर्मस्थली बनाया, ठीक है। तो भूमार गंधर्व इतने प्रसिद्ध रहे कि उनके नाम पे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक क्या कर दिया गया, अवार्ड भी, पुरस्कार भी निकाल दिया गया। कर्नाटक में 1924 में इनका दोस्त यहाँ पे जन्म हुआ था। इनके लिए नए रागों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, इतनी सारी रागों का इन्होंने दोस्त निर्माण किया हुआ है जिस कारण से भूमार गंधर्व को प्रसिद्धि मिली हुई है। कुमार गंधर्व के बारे में कल हमने कुछ चीज पढ़ी थी कि इनके लिए जो राज शासन के नाम पर एक पुरस्कार भी निकाला गया, ठीक है। इस तरह से कल हमने कुछ आपको पुरस्कार बताए थे, पंडित रवि राव के बारे में पढ़ा था, अमजद अली खान के बारे में बताया था, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देखी क्लास तो मेरी देख लेना। अब आज हम पढ़ने वाले थे लोकगीत, लोकगीत पे आते हैं जो कि सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भैया लोकगीत होते क्या है इस चीज के बारे में समझो। अब हम लोग सपना चौधरी जी के गाने कभी बार सुनते हैं, ठीक है, पानी ले चली या एक दो और जो गाने थे वो हिट कैसे हुए। इसके बाद हम बघेलखंडी के कुछ गाने सुनते हैं, बुंदेलखंडी हम गाने सुनते हैं। लोकगीत का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो उस लोक में गाए जाते हैं। लोक का मतलब ये नहीं है कि त्रेता युग हो गया द्वापर युग, लोक का मतलब उस एक पर्टिकुलर एरिया में जो गाने फेमस होते हैं, ठीक है, उनको हम लोकगीत के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी विविधता है, मालवा मालवा है, मालवा के साथ साथ बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, मालवा का नर्मदा का अलग क्षेत्र हो गया, ठीक है। इनके क्षेत्रों के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जातियां हैं, गोंड हो गई, कोरकू हो गई, ठीक है, अलग अलग सामान्य जाति भी होंगी, दूसरी जातियां भी होंगी, हर किसी के अपने अलग अलग त्योहार होते हैं, ठीक है। तो इन त्योहारों पर अलग अलग प्रकार का गायन किया जाता है, ठीक है। अब त्योहारों के हिसाब से भी गायन होता है, ठीक है, और इनमें व्यक्ति की जो जीवन की अवस्थाएं होती है इस पे भी गायन होता है। अब आप बोलोगे कि सर किस प्रकार से होता है, समझिए। देखिए हमारे यहाँ पे जब कभी भी कोई बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो गाना गाने होते हैं डस्टोन में, अलग गाने आपने सुने होंगे, होते हैं ना डस्टोन के गाने। डस्टोन के गाने के बाद अगर हम बात करें जब बच्चा का बड़ा होता है तो उसको सुलाने के लिए लोरी वाले अलग गाने होते हैं, ये होते हैं लोरी वाले गाने। अब जब बच्चा लोरी सुन सुन के बड़ा भी हो जाएगा तो स्कूल भेजने के लिए सिर्फ मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी होंगे, तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग हो गए, ठीक है। फिर उसको पढ़ाई में मन लगा रहे तो मोटिवेशनल सॉन्ग और देंगे, ठीक है, जिद है तो करके देखा, जुनून है तो तू करके दिखाएगा, इस तरीके के आपने फिल्मी कुछ गाने सुने तो ये जिद वाले गाने भी मिलेंगे। और अंत्येष्टि तक जाते जाते तक भी दोस्तों यहाँ पे कुछ राम मंडली वाले गाने होते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हमारे जीवन की हर अवस्था में आपको कुछ ना कुछ गाने यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, हर अवस्था में कुछ ना कुछ गाने यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो इस तरह से दोस्त क्या होता है कि हो सकता है कि मालवा क्षेत्र के गाने आपके जो डस्टोन में हो रहे हैं वो थोड़े से अलग हो रहे होंगे बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। तो यहाँ आपको जो मिक्सचर मिल रहा है ना सॉन्ग्स का,
तो हमारे यहाँ पे यही लोकगीतों का मिक्सचर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको केवल अवस्थाओं की कहानी बताई, इसके साथ साथ त्योहारों पे अलग होते हैं। नवरात्रि की हम बात करें, नवरात्रि में आपको अलग गाने मिलेंगे, फाग वाला जो गाना है होली के अवसर पे आपको अलग देखने मिलेगा, ठीक है। मसान्या जो हो गया, मृत्यु गीत होता है, निमाड़ में होता है। भरतरी हो गया, वो भी निमाड़ में होता है। तो इस तरह से ये कुछ लोकगीत, उनकी विशेषताएं और संबंधित क्षेत्र। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस बार मैं लगा नहीं पाया हूँ, जब मैं आपको पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं लगा दूंगा उसमें। गरबा है तो पूछ लेंगे आपसे कि गरबा मुख्य रूप से कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, क्षेत्र दे देंगे आपको। या पूछ लेंगे कि सामान्य है ना, निम्न में से किस किस विशेषता का गीत है, शिव पार्वती का है, होली के अवसर पर होता है, मृत्यु गीत होता है, या ब्रह्म की उपासना है। ऑप्शन इस तरह से आएंगे। तो आपको केवल यहाँ पे याद क्या करना है कि कौन सा गीत किस क्षेत्र के लिए प्रमुख है, और इसके साथ साथ जो उसका गायन होता है वो गायन कब किया जाता है। नहीं तो ऐसा मत करना कि डस्टोन के गीत को है ना मृत्यु वाले गीत के साथ जोड़ दो, अलग है दोनों, ठीक है। माना ऐसा अलग है, डस्टोन के गीत अलग है, ठीक है। गलत करके आ जाओगे, गलत करके तो आओगे आओगे, और कभी बाहर कर दोगे तो घपला हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक वो पुरानी पिक्चर याद आ गई, पुरानी पिक्चर नहीं, एक वो वेब सीरीज आ गई, पति पत्नी है वो वाली में, जिसमें वो गर्म कांड वाले पंडित जी को वो पूजा शादी करवाने के लिए ले जाता है, तो मंत्रों का मिक्सचर हो जाता है वहां पे। तो कई बार ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अब क्या डिटेल से, मध्य प्रदेश में कौन कौन से गायन होते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से गायन होंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र बड़ा है ना, मालवा अलग है, बुंदेलखंड अलग है, बघेलखंड अलग है, कुछ इस तरह से क्षेत्र है। तो हम उनको क्षेत्र वाइज ही हमें सारे याद करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसे निमाड़ अंचल की, ठीक है। निमाड़ अंचल मतलब कि जो खंडवा खरगोन वाला हिस्सा आ गया, यहाँ पे जो गाने होते हैं वो एक कलगी और तुर्रा सबसे ज्यादा आपको देखने के मिलेगा। कलगी और तुर्रा दोस्त क्या होता है, जो गाना होता है वो दो अखाड़े दल होते हैं, ठीक है। अखाड़े क्यों करते हैं ना, आजकल आप लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे, आप लोग जिम ज्यादा सुनते होंगे, जिम से ज्यादा अच्छा तो अखाड़े होता है। तो अखाड़े जो होते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है, वाद विवाद होता है। अखाड़े में पहलवान होते हैं, और पहलवानों में आप देखो कि कोई दूसरा पहलवान देखेगा तो अपने आप लड़ने की थोड़ी सी ऐसी प्रवृत्ति टाइप आ जाती है। तो यहाँ पे जो कलगी तुर्रा होता है वो क्या होता है, दो अखाड़ों के बीच में शाब्दिक वाद विवाद होता है, ठीक है। ये यहाँ से कुछ कमेंट करेंगे, वो वहां से कुछ कमेंट करेंगे, जो नॉर्मली होता है ना दोस्तों में भी कई बार हो जाता है, ठीक है। वाद विवाद, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं कलगी तुर्रा का, ठीक है, बिग बॉस देख लो। बिग बॉस में देखा है बस हाथ पांव नहीं चला सकते, बाकी सारे कमेंटबाजी हो जाएगी, पर यहाँ पे लड़ाइयां होती हैं, यहाँ पे कलगी तुर्रा में वो चीज नहीं मिलेगी। यहाँ गाना शैली में दोस्त अधिकतर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कलगी तुर्रा कहाँ पे होता है, निमाड़ अंचल का सबसे प्रसिद्ध हो गया। फिर उसके बाद मैं करूँ लावड़ी, भैया ये तो सबसे ही प्रसिद्ध गीत माना जाएगा लावड़ी, मालवा और निमाड़ दोनों में, और इसके साथ साथ बघेलखंड साइड भी आपको लावड़ी गीत ज्यादा मिलेगा। ये निर्गुड़ी लोग जो दार्शनिक होते हैं ना, निर्गुणी उन लोगों के द्वारा ये गीत किया जाता है। अब आप बोलोगे सर निर्गुणी दार्शनिक क्या होते हैं, तो आपको मैंने जब मैं धार्मिक आंदोलन पढ़ा रहा था 11वीं शताब्दी का, ठीक है, सूफी पढ़ाया था मैंने आपको, सूफी संप्रदाय के भी कुछ संप्रदाय बताए थे, कादरी संप्रदाय, ठीक है, भक्ति आंदोलन को मैंने दो भागों में बांटा था, तब मैंने आपको बताया था निर्गुणी और सगुणी क्या होते हैं, है ना। भगवान को मानने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भगवान को उन मानव के आकृति के रूप में पूजा करते हैं, और दूसरे कैसे करते हैं कि भगवान किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, माउस में भी हो सकते हैं, ठीक है, बुक में भी हो सकते हैं, तार में भी हो सकते हैं, पीछे स्क्रीन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसका कोई आकार नहीं, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं निराकार में। निर्गुणी मतलब कि तो निर्गुणी और उस सगुणी, इन दोनों में हमने भगवानों को बांटा है कि एक भगवान की आकार स्वरूप में पूजा करते हैं, स्टैच्यू बना के करते हैं, और दूसरे कहते हैं नहीं, कण कण में हर जगह भगवान विद्यमान है। तो जो लावड़ी संप्रदाय के लोग होते हैं, वो दो जो निर्गुणी संप्रदाय के लोग होते हैं, अधिकतर इनके द्वारा जो लावड़ी गीत है इस चीज का दोस्त यहाँ पे क्या किया जाता है, गायन किया जाता है, ठीक है सर। मान लिया लावड़ी हो गया, निमाड़ का और कौन कौन से होते हैं, तो भैया निर्गुणिया गीत ये है आपके सामने। सबसे मेन चीज तो बताओ, निर्गुणिया जो गायन शैली थी ये शुरू की गई थी हमारे स्वयं गंगा जी के द्वारा। सिंगा जी का मेला जो हम पढ़ते हैं ना खंडवा खरगोन में लगता है निमाड़ में, तो ये जो निर्गुड़िया जो संप्रदाय शुरू किया गया था वो किया गया था हमारे स्वयं सिंगा जी के द्वारा। इन्होंने तो यहाँ पे क्या किया था, नारदीय शैली को विकसित किया था, और इसके साथ साथ निर्गुड़िया गायन शैली इन्होंने इस्तेमाल की थी। अर्थ बेसिकली था क्या ये, कि जिस गाने को गाते थे वाद्य यंत्र को लेकर आगे जाके उसको जो हम यहाँ पे निर्गुड़िया के नाम से जाना जाने लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कभी ऐसा कोट हो जाए कि निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो यहाँ पे प्रख्यात है, यहाँ पे आप लगा सकते हो कि निमाड़ और जो अंचल वाला हिस्सा है ना खंडवा खरगोन वाला, हमारे मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, वहां पर आपको निर्गुड़िया शैली देखने के लिए मिलेगी। निर्गुड़िया के बाद दूसरी बात करें गरबा, गरबा गरवी हम सभी जानते हैं,
गरबा, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से नवरात्रि के समय होता है। यहाँ पे कुछ युवतियां युवक है ना बड़े अच्छे से यहाँ पे डांस करते हैं। कई जगह अब तो आपने सुना है ना, अपन अब जो गरबा करते हैं तो बढ़िया डीजे सॉन्ग बजते हैं, फिर रिपीट होगा सॉन्ग, फिर उसके बाद ये भैया इस समय ऐसा गरबा होता था। पहले की गरबे की बात बताऊं ना, तो अभी जो गरबे की जो थाप आप लोग जो बेस पे सुनते होगे है ना, उस समय ताली की छाप चलती थी कि ताली की छाप होगी तो फिर इस तरफ का ये स्टेप करना है, फिर छकड़ी करना है, फिर पता ना पंचना करना है। तो उस तरफ के जो गाने होते थे ना वो होते थे पहले। तो जो गरबा होता था वो पुरुष और जो महिलाएं जो खड़ी होती थी वो ताली की ऐसी छाप दिया करती थी थाली की, और इस ताली की छाप पे वहां पे गरबा होता था। तो गरबा अधिकतर लड़के लड़कियां करते थे। और जो गरबी होता था, हाँ गरबी भी एक होता है, गरबा तो हो गया डांस, गरबी क्या होता है, एक सॉन्ग होता है जो केवल दोस्त मेल गाते हैं, ठीक है। गरबा डांस है, गरबी क्या होता है, एक मेनली एक सॉन्ग है जिसके लिए कौन करते हैं, पुरुषात्मक लोक गायन टाइप का होता है। इसमें पुरुष क्या करते हैं दोस्त, गायन करते हैं, और गायन के साथ साथ यहाँ पे नृत्य होता है। तो प्लीज इस चीज को याद रखना, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गरबा जरूर किया होगा। सागर में तो बहुत होता है अनुप्रेक्षा, सागर में अरे जरूर किया करो यार, ये मनोरंजन के त्योहार है ना, अच्छा लगता है, मुलाकात होती है सबसे, दोस्तों से बातें होती हैं, है ना, किया है ना आप लोगों ने। ग्रह जिला नहीं मिलता, कम से कम एटलीस्ट 5 साल की नौकरी तक तो नहीं मिलता है। हाँ तो ये मैंने आपको बताया निरगुड़िया। अब निरगुड़िया के बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और कौन कौन से गीत होते हैं। तो गरबा गरबी बताया, इसके बाद दोस्त होता है गबलन। गबलन गीत भी दोस्त आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेगा। ये गीत पुरुष परक होता है, ठीक है। केवल यहाँ पे ढोलक लेके जो पुरुष होते हैं ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पे से ढोलक लटका लेते हैं, ठीक है, और फिर ढोलक बजाते हुए दोस्त वो इस तरफ से कुछ ऐसा 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 विंग्स टाइप का डांस करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा गबलन। तो गर्दन में ढोलक लटकी रहेगी और बिल्कुल डिस्को डांस चल रहा होगा, तो डेट इज कॉल्ड गबलन। फिर आता दोस्त मसान्या, और दोस्त ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो मसान्या गीत होता है ये हमारे यहाँ पे अधिकतर देखने नहीं मिलेगा, ये गाँव वगैरह में आप जाओगे ना वहां तो उसे सबसे ज्यादा चलता है। निवाड़ में जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ के समय ये गीत का गायन सबसे ज्यादा किया जाता है। हमारे यहाँ पे तो राम मंडली को हम लोग बुला लेते हैं अधिकतर, है ना, उसी तरह से ये मसान्या गीत कब होता है, निवाड़ में मृत्यु के समय दोस्त यहाँ पे ये होता है लोगों के, ठीक है। अब मालवांचल में कुछ और भी गीत है, जैसे कि तेजा जी का गायन हो गया और भरतरी का गायन हो गया। भैया इनको तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि वीर तेजा जी की जो कहानी, जितने भी उन्होंने कार्य करे हैं, चाहे वो दया के हों या उनकी वीरता के हों, उनके पूरी जीवन शैली का जो वर्णन किया जाता है वो तेजा जी कथा गायन में होता है। हर वर्ष आपको ये तेजा जी का जो मेला आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, ये बड़नगर में होता है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे यहाँ हर साल दोस्त आपको मेले के साथ साथ तेजा जी के जो जीवन की जितनी भी गाथाएं रही हैं उन सभी का विवरण आपको तेजा जी कथा गायन में मिलेगा। उसके बाद बात करें भरथरी, भैया उज्जैन के राजा भरथरी भी जो खतरनाक राजा रहे, वीर राजाओं में से एक कहा जाता है। तो इनके जो वैराग होने की और जो उनकी जो पत्नी थी पिंगला, तो उनसे जो उनका जो विरह वियोग हुआ था, तो जब विरह वियोग हुआ था तो अत्यंत बहुत मार्मिक हो गए थे, ठीक है, दुखी हो गए थे। तो उनकी जो पूरी दुख भरी कहानी है, ठीक है, तो इसके द्वारा भरतरी के द्वारा भी दोस्त यहाँ पे बताई जाती है। मुख्य रूप से जो भरतरी होगा वो उज्जैन वाले क्षेत्रों में आपके लिए मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इन राजा ने वहां पे रूल किया हुआ है। इसके साथ साथ जो भरतरी गायन है वो मुख्य रूप से नागपंथ के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, नागपंथ के जितने भी अनुयायी होते हैं उनके द्वारा दोस्त ये हमारा भरतरी गायन किया जाता है। तो एक हो गया तेजाजी गायन, ठीक है, तेजाजी में तेजाजी के वीर कार्यों का गाथा होती है, और दूसरा होता है भरतरी में, जिनमें भरतरी के जीवन की गाथाएं और उनके विरह के बारे में काफी डिटेल से यहाँ पे बताया गया। तो ये थे पूरे हमारे निमाड़ अंचल के। निमाड़ के बाद अब बात करते हैं मालवा अंचल में कौन कौन से दोस्त यहाँ पे गायन होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मालवा अंचल में दो चार चीज देख लो, यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होता है, गायन शैली सबसे ज्यादा मिलेगी। तो गायन शैली दोस्त एक होती है निर्गुणिया भजन शैली। निर्गुणिया भजन, निर्गुण मतलब क्या होता है, गुण किस में होते हैं, इंसानों में होते हैं। तो अधिकतर जो इंसानों की भगवान को इंसानों की स्टैच्यू के रूप में पूजा नहीं करेंगे तो वो हमारे निर्गुणिया में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मालवांचल में निर्गुणिया और सगुणिया ये आपको गीत शैली मिलेगी। तो गायन शैली मालवांचल में निर्गुणिया भजन शैली सबसे ज्यादा प्रचलित होती है, ठीक है। उसके साथ संजा गीत होता है,
संजा गीत क्या होता है दोस्त, किशोरियां दोस्त, किशोरियों के समय ये गीत काफी फेमस होता है। होता क्या है बेसिकली, आपको ने गांव वगैरह में आप जाओगे कभी देखोगे, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, ठीक है, फ्री होता है तो व्हाट्सएप स्क्रॉल हो जाता है, फेसबुक। जब व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं था तो होता क्या था कि शाम के समय, ठीक है, सारे के सारे जो लेडीज होती थी है ना, अपने दिन भर के काम वाम करके वो इकट्ठा एक दूसरे से मिलती थी। अब जब मिलेंगी तो बातचीत भी होगी। अब तो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे क्षेत्र में क्या होता है, चुगली वाली हरकतें हो जाती है, उन्होंने क्या पहना है, वो क्या पहनेंगी और वो क्या पहन के आई थी, ये चीजें चलती हैं। यहाँ क्या होता है कि जब कभी भी लेडीज जेंट्स गांव में अधिकतर मिलते हैं उस समय, तो ये लोग जो भजन संध्या करते हैं, जो शाम के समय पे जो अधिकतर गीत होते हैं, ठीक है, वो कहलाते थे संध्या गीत। तो संध्या गीत जो था वो किशोरियों के समय अधिकतर गाया जाता था, ठीक है, और शाम के समय होता था बेसिकली ये गीत, जब उनका जो गेट टूगेदर होता था शाम को, वो होता था यहाँ पे, ठीक है, और शाम के समय हम सभी लोग जानते भी हैं, है ना। इसके बाद बात करें मालवा अंचल की, मेरा इंटेंशन ठीक है, ठीक है, किसी गलत इंटेंशन से मत लीजिएगा। मालवांचल की हम गीत की बात कर रहे हैं, इसमें एक हीड गायन भी होता है, तो प्लीज हीड गायन के बारे में बात सुने, ठीक है। श्रावण मास के महीने में आपको हीड मिलेगा और उसके साथ साथ बरसाती गायन भी होता है, ठीक है ना यारी का जी, जय वगेला जी, अभी भी होता है ना शाम को। नहीं भैया, अब ये कम हो गया ना, इसके कम होने के दो कारण है, सबसे पहला और प्रमुख कारण इसका यह है कि अब सरकार ने क्या कर दिया है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे हर घर में टॉयलेट्स बनवा दी गई हैं, तो अब तो ये गीत बंद होने ही था, ठीक है, शाम को मेल मिलाप बंद हो ही गया अब सबका, ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा। क्या करें मैडम, अलका मिश्रा जी, पढ़ाना पड़ता है तो सब पता करना पड़ता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बरसाती गायन है तो नाम से ही दिख रहा है, ठीक है, ये होता था। ये तो कुछ हमारे मालवांचल के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, बुंदेलखंड। भैया बुंदेलखंडी गायन हम तो बहुत ही जाना थे, हम तो बिल्कुल बता रहा, बुंदेलखंडी गाना बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध गाना है दोस्त गाया आल्हा गायन, ठीक है, आल्हा गायन हम सभी लोग जानते हैं, आल्हा उधल, जिसमें शारदा माता की दोस्त यहाँ पे कहानी का काफी अच्छे तरह से विवरण किया गया है, जितने भी जो युद्ध लड़े गए थे आल्हा उधल के द्वारा, 52 वॉर्स के बारे में हम सुनते हैं, भाई शारदा जी प्रकट, आल्हा ने लगाया भोग, है ना, नैने 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 करके, वो लगभग 3-4 घंटे तक का एक वो पूरा एक ट्यून है, वो बहुत अच्छे से होता है, प्लीज उसको भी जरूर सुनिएगा, कभी सुबह सुबह लगाइएगा, एक ने पूरा का वो गाना गाया हुआ, ठीक है, कभी हम सुना करते थे इसको, मैहर में बहुत प्रचलित है। तो यहाँ पे प्राय दोस्त आपको ये मिलेगा वर्षा ऋतु के समय, ये चीज यहाँ पे चालू होती है, और जितने भी जो ढोलक और नगरिया संप्रदाय के लोग होते हैं, ठीक है, वो अधिकतर आपको इस चीज का गाने करते हुए मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा आला गायन बुंदेलखंडी का। इसके अलावा भी बुंदेलखंडी में कुछ और भी गायन प्रसिद्ध है भैया, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है हरदौल की मनौती, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, निमाड़ का हिस्सा हो, मालवा का हिस्सा हो, हर जगह हरदौल की मनौती होती है, आपके घर में भी होती है। अब आप बोलोगे सर मेरे घर में नहीं होती, मैं बताऊं कैसे नहीं होती, भैया जब राजा जब आपकी शादी होगी तो दूल्हा बनोगे आप, मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गर्ल्स को भी बताऊंगा, तो जब दूल्हा बनता है राजा, तो जब घर से निकासी होती है तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है, इनके मंदिर में जाता है कि भैया हम दूल्हा बन गए, फिर उसके बाद जब शादी होके कंप्लीट होके जब आते हैं तो हाथ लगने के लिए जाते हैं, हाथ लगने जिसको बोलते हैं। तो ये जो हरदौल की जो मनौती मिलेगी ना केवल आपको मालवा बल्कि उसके साथ साथ बुंदेलखंड, बघेलखंड और अच्छे अच्छे जगह, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इंदौर या कहीं पे भी दे रहे हो तो पॉश एरिया में नहीं होता, सब जगह होता है। लाला हरदयाल की तो पूजा आपको करनी पड़ेगी, अलग अलग नामों से इनको यहाँ पे जाना जाता है। तो भैया हरदौल की मनौती बड़ी संपन्न है, ठीक है, लेडीज यहाँ पे भगवान के लिए भात और चावल देती है कि भैया ब्याह अच्छे से करा दियो, ठीक है, कोनो लड़ाई झगड़ा न हो जाए, तो इस तरह की कुछ कामनाएं होती है यहाँ पे। तो ये चीज को याद रखिएगा, हरदौल की मनौती बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा फेमस आपके लिए गायन मिलेगा, ठीक है। हरदौल की मनौती के बाद जो दूसरा गायन मिलेगा आपको बुंदेलखंड में, वो मिलेगा भील बाटी और फाग गायन। भील बाटी दोस्त धार्मिक अनुष्ठानों के समय पे अधिकतर मिलेगा, पर जो फाग गायन होता है ये होली के अवसर पर होता है। तो बुंदेलखंड में आप देखोगे तो जो ईसुरी फाग हो गया, राई फाग हो गया, है ना, ये कुछ गीत आपको नागपंचमी के समय सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इसमें स्त्रियां हो पुरुष हो, ये काफी अच्छे तरह से दोस्त यहाँ पे फाग गीत गाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की नकल उतारते हुए टोलियों में, खासकर ग्रुप्स में एक दूसरे के घर जाते हैं, ठीक है। चंदा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा दोस्तों कलेक्ट किया जाता है, वो इन गायन के माध्यम से यहाँ पे किया जाता है। ये बुंदेलखंडी की कुछ फाग गायन हो गए, आला गायन हो गया। कुछ और बात करूं अगर मैं बुंदेलखंडी गीतों की, तो दोस्त ये कुछ और भी लिस्ट है, ठीक
इनको एज इट इज याद कर लेना, बराठा गायन हो गया, भोला गीत और दिवाली गीत। दिवाली गीत, दिवाली मतलब जो दिवाली के समय हम करते हैं, भोला गीत हो गया, जैसे बम्बुलिया लमेटा गीत हो गया, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे प्रमुख गीतों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। हाँ, अरे बुंदेलखंड में तो पूछो नहीं, मतलब कि हर तीसरे और चौथे बार में आपको मिलेगा। हाँ, अब क्या करें यार, देखो शादियों में तो अधिकतर हो जाती है, फूफा को मनाएं कि किसको मनाएं, ये चीज चलती है ना यहाँ पे। अरे कोई नहीं, क्या होता है, बर्तनों का खड़कना भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि उनके खड़कने से ही एहसास होता है ना। ठीक है, तो ये दिवारी गीत, जवारा गीत और जगदम्बे गीत, ये मैंने आपको बुंदेलखंडी कुछ गीत बताए हुए हैं। अब बात करते हैं बुंदेलखंडी के बाद बाजू वाले पड़ोस के एरिया में आ जाते हैं हम बुंदेलखंड के। ठीक है, रीवा सीधी सिंगरौली डिंडौरी साइड, वहां पहुंचते हैं हम बघेलखंड। भैया बघेलखंड में बघेलखंडी गाना आपको अधिकतर मिलेंगे। ठीक है, बघेलखंडी गाने, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ परंपरागत गीत अधिकतर मिलते हैं। बसदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायक जाति है जो हर भोले के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बसदेवा जो होते हैं दोस्त, यहाँ पे सबसे ज्यादा दोस्त यहाँ पे जो गायन होता है बघेलखंडी, वो बसदेवाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कल के पेपर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि बघेलखंडी में जो हर भोले या बघेलखंडी जो जाति के लोग होते हैं वो किस प्रकार के वस्त्र पहनकर दोस्त डांस करते हैं, तो ये मुख्य रूप से पीले वस्त्र धारण करके दोस्त डांस होता है। तो किस इस प्रकार से दोस्त आपको वसुदेवा जाति के द्वारा डांस करते हुए मिले, पीले वस्त्र यहाँ पे धारण करेंगे, पुरुष होंगे महिलाएं होंगी, और इस प्रकार के वस्त्र धारण करके वो कुछ ग्रुप्स में डांस करते हैं। ये हमारे बघेलखंडी एक डांस होता है। उसके साथ साथ ये जो मैडम यहाँ पे आपको गाना गाती हुई दिख रही है, कुछ इस प्रकार से भी गाने होते हैं। पीछे वाले भैया तो फोटो खिंचा रहे हैं, गाने का ज्यादा कम एंजॉय कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम मनेल में आ जाए यहाँ पे। तो ये गाने आपको अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे बघेलखंडी। और बघेलखंडी गाने में बात करूं तो बिरहा गानन, विदेशिया गानन, ये दोस्त जो बिरहा गानन होता है, मैं आपको बताऊं ये क्या होता है, जो बिरहा गीत होता है अधिकतर ये सुनसान रास्तों पर गाया जाता है। जैसे कि किसान है, ठीक है, अब दो किसान कहीं जा रहे हैं तो आपस में बात करते हुए गीत करते हुए जा रहे हैं। आजकल नहीं होता ये, ठीक है, गांव में जरूर होता है, आजकल तो क्या होता है एक दूसरे की विस्परिंग चलती रहती है। ठीक है, काना कुछ उसने क्या किया, उसने क्या किया, तो ये गायन पहले होते थे। ठीक है, तो बिरहा गीत कब होते थे, जब दो लोग सुनसान रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, आपस में बात करते हुए जा रहे हैं कि कोई भूत ना आ जाए, कोई परीत ना दिख जाए, कोई पेड़ पे उल्टा ना दिख जाए, तो इस तरह से दोस्तों गाने अधिकतर होते थे, वो बिरहा गायन होते थे। विदेशी गायन भी दोस्त अधिकतर सुनसान जगहों पर ही किए जाते थे कि मन लगा रहे, क्योंकि जब गाने में आपका मन लगा रहेगा तो सुनसान रास्तों पे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपका खाली दिमाग होगा तो लगेगा आगे कोई आना जाए, आगे कोई दिखना जाए। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है ऐसा, वो मन का वहम होता है जो सिर के ऊपर चढ़ के बोलने लगता है, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता, ठीक है, जो मानते होंगे वो मानते होंगे, अपन नहीं मानते। तो सुनसान रास्तों पर, ठीक है, डर ना लगे, दो लोगों के बीच में एक भगवान की एक श्रद्धा के अनुसार जो चीज चल रही है वो चलती रहे, तो बिरहा और विदेशिया गायन के रूप में ये लोग यहाँ पे बोला करते थे। ठीक है, विदेशिया और प्रदेश बिरहान गायन के अलावा कुछ और भी दोस्त लोकगीत हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो विशिष्ट लोकगीत है। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये तो हो गए हमारे कौन से लोकगीत जो क्षेत्र में होते थे, अब इसके बाद जो लोकगीत बता रहा हूँ वो क्या होते हैं, जो संस्कार संबंधी होते हैं। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन आपके लिए मिलेगा, 16 संस्कार। ठीक है, इनमें से 16 संस्कारों में से 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो बच्चे के पैदा होने के पहले होते हैं। पहला संस्कार क्या होता है, गर्भ धारण संस्कार होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। फिर उसके बाद गर्भ की सुरक्षा के लिए एक संस्कार होता है, ठीक है, कि बाहर के पिशाच राक्षस गर्भ को हानि ना पहुंचाए। उसके बाद जो तीसरा संस्कार होता था वो पहले होता था पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला, ठीक है, एक ये संस्कार भी अधिकतर चलता था। 3 संस्कार आपको जन्म के पहले मिलेंगे और बाकी के जो 13 संस्कार होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार होता है वो होता है उपनयन संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार, और दूसरा संस्कार फिर जनेऊ भी होगा, शादी के बाद आपको मिलेगा। ये कुछ 2 संस्कारों में से प्रमुख होते हैं, बच्चा पैदा होगा फिर संस्कार, फिर उसके बाद 1 महीने का हो जाएगा, फिर घर से निकाला जाएगा, फिर पहली बार उसको अन्न खिलाया जाएगा, फिर स्कूल जाते समय होगा, फिर अपनी पहली बार वो शेविंग कराएगा, फिर गुरु दीक्षा देगा, फिर शादी करेगा। इस तरह से लगभग 16 संस्कारों में यहाँ पे बांटा गया है। तो ये अलग अलग त्योहार है जो अलग अलग संस्कारों पे आपको देखने मिलेंगे। 16 संस्कार में जन्म संस्कार, जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, बरुआ गीत उपनयन संस्कार के समय होता है, ठीक है, विवाह गीत ये शादी के समय होगा, और पौनी गीत कब होगा, जब संस्कार हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 4 जीवन की अवस्थाएं
और ये चार जीवन के गीत, सोरा बरुआ विवाह और पौनी। तो भैया यहाँ तक हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। देख रहे हो ये सोहर गीत चल ही रहा है, ठीक है। ये बच्चा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैडम लिए हुए हैं, तो इस तरह से दोस्त यहाँ पे गीत होते रहते हैं, ठीक है। क्लियर? लकी जी, प्रिंसेस जी, कविता जी, बचपन की याद आ गई। सही है यार, बिल्कुल। निहारिका जी, सबको क्लियर है ना? ललित जी, ठीक है। हाँ, सोहर गीत, सोहर गीत जन्म के समय होता है। अरे बिल्कुल, अरे हमारा वो टॉपिक ही नहीं है, भूत प्रेत वाला। हम तो भैया है ना, गाना बजाना वाले टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने। गाना बजाना है हमें तो आज, अच्छा ठीक है। तो भैया गाने सुनना, बड़े अच्छे अच्छे गाने होते हैं, ठीक है। तो ये संस्कार संबंधी थे, संस्कार संबंधी के बाद ऋतु संबंधी भी होते हैं, ठीक है। फाग, बारामासी और सवनाही, जैसे कि फाग का महीना बसंत ऋतु में जो गाना गाया जाता है होली के अवसर पर, है ना। होलिया में उड़े रे गुलाल, ठीक है। इसके साथ साथ होली है, तो ये कुछ ऐसे गाने हैं। अब तो उनका रिमिक्स वर्जन आ गया, बट ओरिजिनली वो गाने कुछ अलग होते हैं। तो फाग गीत होली में मिलेंगे। बारहमासी जो जेठ माह से प्रारंभ होकर ऋतुओं की महिमा का व्याख्यान करते हैं, पूरा बताएंगे कि गर्मी में क्या क्या अधिकतर होता था पूरे बारहमासी तक, ठीक है। पूरी ऋतुओं के बारे में उनकी डिटेल से बताते हैं, ठीक है। सवनाही गीत भी होता है, वर्षा ऋतु के समय दोस्ती प्रमुख गीत है। तो ये हमारे ऋतु हो गए। तो हमने गीतों का डिवीजन क्या किया, क्षेत्रों के अनुसार पहले डिवीजन किया था, क्षेत्रों के बाद फिर हमने कैसे मनुष्यों के जीवन की अवस्थाएं होती हैं उसमें विवरण किया, और फिर ऋतुओं में किया। तो इस प्रकार से दोस्त यहाँ पे क्या होते हैं, ये लोकगीत अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। अब धर्म उपासना की बात कर लें, भगवान को हम कैसे छोड़ देंगे, तो जवारा गीत, ठीक है। जब जवारे बोए जाते हैं दुर्गा माता की आरती के समय, जो गीत होते हैं उनको हम जवारा गीत कहते हैं, ठीक है। गौरा गीत जो नवरात्रि के समय आपको मिलेंगे, देवी माँ के समय जो पूजा के समय होते हैं, गौरा गीत कहलाते हैं। कार्तिक स्नान, ठीक है। जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब यहाँ पे स्नान किया जाता है, ठीक है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी अधिकतर, तब ये दोस्त आपको कार्तिक गीत देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ गीत प्रसिद्ध हैं हमारे, जो धर्म उपासना के समय भी सबसे ज्यादा किए जाते हैं। उसके बाद कुछ और भी गीत हैं, पंडानी गीत हो गया, गम्मत गीत, ढोल की गीत, नर्मद गीत, जो कि अधिकतर मुख्य रूप से, ठीक है, धर्म उपासना के समय होते हैं, वो गीत हमारे ये है। पंडानी गीत की अगर मैं आपसे बात करूं, तो पंडानी गीत क्या है, वीरतापूर्ण कार्यों के ओजस्वी कार्य के जो संबंध में जो गीत बताता है वो पंडानी गीत होता है। गम्मत गीत की बात करूं, तो गणेश उत्सव के समय जो आपको मिलेंगे गीत, वो आपको कौन से गीत मिल जाएंगे, गम्मत मिल जाएंगे। ढोलकी गीत हो गया, महिलाओं के द्वारा राम और कृष्ण के लिए गाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग त्योहारों पर ये अलग अलग गीतों का विवरण आपको मिलेगा, ठीक है। ये था हमारा धार्मिक। अब बात करें मनोरंजन, भाई आप सबसे ज्यादा तो आप लोगों को यही गीत पसंद, मनोरंजन गीत, ठीक है, जिनमें ददरिया, दादरे जिसको अधिकतर बोला जाता था, ठीक है। आप लोगों को पता है दादरे गीत जो चलते थे, सौंदर्य और श्रृंगार रस का प्रधान जो दादरा गीत कहा जाता था, पता है किसी ने दादरे सुने हैं? जब किसी की नई बहू या आप किसी के घर जाएंगे, तब ये दादरे जो अधिकतर गीत होते थे। जी, इसमें हंसी मजाक फेंके चलते रहते थे। हाँ बहुत खतरनाक होते हैं अनुज जी, बिल्कुल अनुज जी कह रहे हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। लेडीज इसमें गीत गाती हैं कि कब से रखे हैं मटकिया सिर पे, उतारो रे लाला, बहुत ही देर हो गई, उतारो रे लाला। और लाला कह रहे हैं पहले नैंग दुआ फिर उतारे मटकिया, नहीं तो नहीं उतारे, चढ़ी रहते। कह दो भैया से कि दे दो नेंग हमारो, तब ही उठके जा मटकिया, नहीं तो नहीं होता। इस टाइप के आपको दादरे गीत सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये गीतों के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और गीतों का जो राजा कहा जाता है वो दादरों को ही कहा जाता है, ठीक है। हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे बुंदेलखंड में, अधिकतर आपको ये गीत बहुत देखने के लिए मिलेंगे। ढोला मारू है ना, नचौनी गीत भी होते हैं दोस्तों यहाँ पे, बरहा गीत की संग्रह में रहा जाता है नचौनी गीत, ठीक है। तो ये जब वियोग और संयोग हो जाता है ना, उस समय जब दोनों की जो अवस्थाएं होती है, या तो संयोग और वियोग की, तब जो फिर नचौनी गीत होते हैं। आजकल आप लोग नचौनी गीत की तरह नचौनी गीत नहीं सुनते, आजकल आप क्या करते हो, सैड सॉन्ग्स लगाओगे और एक आध दो सैड सॉन्ग की लिस्ट आ जाएगी उसको सुन लोगे। भैया नचौनी गीत सुनो ना यार,
क्या सैड सॉन्ग पे जा रहे हो, ये सुनो ठीक है, ये ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब यूट्यूब पे ये मत डालना कि सैड सॉन्ग आई एम हर्टेड टुडे, नहीं नहीं कौन सा सॉन्ग सुनो, सीधा डालो नचौनी गीत आई एम हर्टेड टुडे, है ना, नचौनी गीत बताओ। यूट्यूब भी कहेगा क्या बताऊं। तो दोस्त ये हो गए नचौनी गीत, ग्रह और संयोग के समय जो अधिकतर गीत आपको मिलेंगे। उसके बाद ये कुछ हमारे लोरी प्रधान गीत हो गए। लोरी प्रधान गीत जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब लोरी हम सभी लोग जानते हैं, है ना, रात हो गई चंदा मामा, तो ये बचपन में ऐसा शायद ही कोई होगा जो लोरियां नहीं जानता होगा। शिक्षा गीत हो गए और खेल गीत हो गए। खेल गीत तो आप जानते ही हो, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, है ना, शुरू करो अंताक्षरी, या इक्का दुक्का दिग्गा तिग्गा, ऐसा करके एक दो सॉन्ग्स होते थे ना नेटिव, वो भैया खेल गीत कहलाते हैं। शिक्षा गीत ये बंद हो गए आज के समय में। शिक्षा गीत इसलिए बंद हो गए क्योंकि अब शिक्षा का मन ही नहीं होता है अधिकतर, ठीक है। लोग कहते हैं कि अब क्या करना, कहते हैं ठीक है भेज दो, नहीं तो पहले ये शिक्षा गीत भी हुआ करते थे जिसमें पिता के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता था शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ व्यक्तिगत गीत। कुछ अन्य गीत है दोस्त यहाँ पे और देख लीजिएगा, कर्मा गीत, लौरे गीत, बैना गीत, ठीक है। तो इनको पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इनको एज इट इज आपको याद हो जाएंगे। जैसे संध्या गीत है, ठीक है, जितनी भी दोस्त जो हमारे यहाँ पे अनमेरिड गर्ल्स होती हैं उनके द्वारा दोस्त इस इन गीतों का गायन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। देवी देवताओं को सिर पर लेकर होता है, बौना गीत होता है, ठीक है, इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो तंत्र मंत्र प्रधान जो अधिकतर ओझा और जो आपको पंडित मिलेंगे, है ना, वो कुछ इस तरह से बौने गीत करते हैं, ठीक है। कुछ अन्य गीतों में हम डांडा गीत लेते हैं, पंथी गीत और तासरा गीत, ये हमारे कुछ यहाँ पे आपको गीत मिलेंगे अन्य। अब हमें जो टॉपिक आपको कल कवर करना है वो काफी डिटेल से मैं आपको और बताऊंगा। कल इन गीतों के अलावा हम नाटक और प्रमुख व्यक्तित्वों को कवर करेंगे, तो इस तरह से हम पूरा का पूरा इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। अन्य गीतों में सुआ, राउत और छेरा गीत। सुआ गीत नाम से ही दिख रहा है, सुआ मतलब मिठू, तो दिवाली पर सुआ के लिए गाए जाने वाले रस प्रधान गीत सुआ गीत कहलाता है, ठीक है। विशेष रूप से गौण स्त्रियां करती हैं। कुछ इस इमेज में देख लोगे आप, ये सुआ गीत की फोटो है, कुछ इस प्रकार से दोस्त इस सुआ नृत्य को यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। राउत गीत की बात करें तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है, ठीक है। सेरा सेरी की बात करें तो ये भी बुक्स माघ मास में होता है। इस प्रकार से है ना कुछ गीतों का अन्न हमने संकलन कर रखा है। कल हम पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य कल हम डिटेल से देखेंगे, अभी तक तो हमने जनजातियों के लोक नृत्य नहीं पढ़े, जनजातियों के, तो यहाँ पे कल हम पूरा डिटेल से लोक नृत्य देखेंगे कि रजवाड़ी, डांडा, मटकी कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। मालवा, निमाड़ में कौन कौन से गीत होते हैं कल लोक नृत्य हमें पढ़ना है, जनजातियों के लोक नृत्य हमें देखना है, एक एक चीज का हमें यहाँ पे डिटेल से कवर करते हुए चलनी है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब हम मुलाकात करेंगे दोस्त सवा हमारा 1:15 पे, 1:15 पे जो आपकी एमपी की क्लास है उसका टॉपिक है मध्य प्रदेश के खेल, है ना। तो 40 से 45 मिनट की हम ये क्लास करते हैं, आपको इस क्लास में जरूर उपस्थित रहना है, ठीक है। 1 के बाद जो हमारी दूसरी क्लास होगी वो होगी फिर 4, ठीक है। 4 हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के कुछ क्वेश्चन, यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर 4 के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 5:30। अभी 3 आपकी और बची हुई है, तो इन तीनों में भी आपको प्रेजेंट रहना है, ओके। 5:30 आज का जो टॉपिक है आपका फ्री क्लास है दोस्त, ये भी पैसे वाली नहीं है, फ्री क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। आज आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है, भारत के उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे जो पहलू हैं ये आज आपको कवर करना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को देखना है, अगर फ्री क्लासेस को, तो फ्री क्लासेस को देखने आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करोगे आप, अगर आप पहले यूजर हो तो कोड मांगेगा वो आपसे, तो कोड डाल देना ADYT, फ्री वीडियो देखने भी, फ्री में भी देखना है आपको वीडियो तो कोड डालो ADYT। फिर जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तब भी आप इसी कोड का यूज करना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में मेरी क्लासेस आपको पता है किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह से मैं कोर्स कवर करा रहा हूँ, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, क्लियर है। प्रीति जी, मौसमी जी, हाँ लक्की जी, बिल्कुल लीजिए। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार से डायरेक्ट, है ना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। सारी क्लास, हाँ, 3 जो एमसीक्यूज की होती है वो एप्लीकेशन पे होती है, उस पर जरूर आओ। फ्री क्लास है दोस्त, डेली 200-300 एमसीक्यूज करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी, और 1:15 की क्लास पर मुलाकात होती है मध्य प्रदेश के खेल वाले टॉपिक पे। प्लीज जरूर आइएगा, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो, ओके।
बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए।